नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने कंप्लायंस के बारे में, कंप्लायंस होता क्या है, कंप्लायंस क्यों जरूरी है और कंप्लायंस करने से क्या फायदे होते हैं, इन सभी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी अपनी पिछली वीडियो में दिया हूँ। उसको आशा करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। आज मैंने जो कल बोला था कि आप लोगों को कि आप कमेंट करना यदि आपको विस्तृत जानकारी कंप्लायंस की चाहिए, तो बहुत सारे साथियों का व्हाट्सअप फोन कॉल आया मुझे कि हाँ सर, रिक्वायरमेंट है और आप इसको अच्छी तरह से समझाएं, क्योंकि कंप्लायंस किसी इंडिविजुअल एक सेक्टर का बात नहीं है, वो हर सारी फैक्ट्रियों में, हर सारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है। जहाँ पर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं वहाँ पर कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। तो साथियों, अगर मैंने बता चुका हूँ तो दोबारा बताना उचित नहीं समझता हूँ, तो आगे की कार्रवाई करते हैं कि आगे क्या समझना है। तो कंप्लायंस की विस्तृत जानकारी के लिए साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि कंप्लायंस जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो नेशनल लीगल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारे देश की कानूनी रिक्वायरमेंट, नेशनल लीगल रिक्वायरमेंट यानी कि राष्ट्रीय कानूनी जरूरत एंड इंटरनेशनल लीगल रिक्वायरमेंट, यानी बाहरी विदेश से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं तो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रिक्वायरमेंट क्या है बायर की, वो भी इंपॉर्टेंट। देन कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कस्टमर क्या चाहता है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, कौन कौन सी चीजें उसको रिक्वायर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड आगे बढ़ते हैं, सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, यानी आप जो वर्क कर रहे हैं, जो भी कानूनी रिक्वायरमेंट आपने बनाई है या इंटरनेशनल कानूनी रिक्वायरमेंट बनाई है, उसका सबका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी इंटरनल प्रोसेस पॉलिसीज एंड गाइडलाइन एसओपीस, आपकी जो एसओपी है एज पर इंटरनेशनल रूल, एज पर नेशनल रूल, एज पर बायर रिक्वायरमेंट चल रही है या नहीं, इन सारी चीजों की छानबीन क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ऑडिटर जो ऑडिट करता है उसी को साथियों कंप्लायंस। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, जैसा मैंने बताया था आपको कि कंप्लायंस दो प्रकार की होती है, एक सोशल कंप्लायंस होती है और एक जो है टेक्निकल कंप्लायंस। लेकिन सोशल कंप्लायंस के अंतर्गत बहुत सारी कंप्लायंस होती है और टेक्निकल कंप्लायंस के अंतर्गत भी बहुत सारी कंप्लायंस होती है। तो अगर हम एक एक दिन दोनों रिकवरी करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि साथियों वीडियो हो जाएगी 1 से 1.5 घंटे की, जो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो उतने ही मैं वीडियो में देना चाहता हूं जिसको आप अच्छी तरह से परफेक्टली समझ सकें। तो आज बात करते हैं कि सोशल कंप्लायंस के कितने फैक्टर होते हैं। तो आइए साथियों, सोशल कंप्लायंस के कितने फैक्टर होते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सोशल लेबर कंप्लायंस जो होती है कि पेमेंट के बारे में, यानी पेमेंट जो मिनिमम वेज है, जो उस प्रांत का, उस जगह का जो गवर्नमेंट के द्वारा तय किया हुआ मिनिमम वेज है, वो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन करना। देन वर्किंग हावर्स जो तय किया गया है, जो हमारे देश की नेशनल लॉ बताती है, उसके अकॉर्डिंग उसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन करना, यानी कि वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, यानी जहां पे वर्कर काम कर रहा है उसका एटमॉस्फियर कैसा है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, काम करने के योग्य है या नहीं है, उसकी भी ऑडिट कंप्लायंस में होती है। देन आफ्टर साथियों, लेबर के जो राइट्स हैं, जो लेबर्स के राइट्स हैं, वो भली भांति
वो संस्था या फैक्ट्री प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, उसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कंप्लायंस के अंतर्गत। अब आते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं कि सेफ्टी से रिलेटेड, यानी सेफ्टी से रिलेटेड भी कंप्लायंस की जाती है साथियों, जिसमें फायर सेफ्टी यानी आग से सुरक्षा। आगे बढ़ते हैं साथियों, मशीन सेफ्टी यानी कि मशीन जिस पे कार्य किया जा रहा है उसमें प्रॉपर एसओपी का पालन हो रहा है या नहीं, एज पर नेशनल गाइडलाइन रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइन रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, एंड फिजिकल सेफ्टी, फिजिकली जो काम होता है साथियों उसकी सेफ्टी, उसके रख रखाव पे क्या अमल किया गया, क्या ध्यान दिया गया, इसकी भी क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इन्वायरमेंटल कंप्लायंस यानी वातावरण, यानी कार्य स्थल का वातावरण कैसा है, वो वर्कर्स के लिए सफिशियंट है या नहीं, इसकी भी क्रॉस वेरिफिकेशन। यानी कि फैक्ट्री में जितने भी इंप्लॉय काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर इन्वायरमेंटल सुविधा फैक्ट्री प्रदान कर रही है कि नहीं, इसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कंप्लायंस के अंतर्गत। और क्या क्या फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड कर रही है, यानी हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड, और क्या क्या सेफ्टी और हेल्थ के लिए क्या क्या वर्कर्स को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, इसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन कंप्लायंस के अंतर्गत होता है। एंड मैनेजमेंट टीम वहां की कितनी एक्टिव है और कैसा सुझाव दे रही है, कैसा मैनेज कर रही है, किस तरह के पेपर्स का यूज किया जा रहा है, किस तरह के सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग का यूज किया जा रहा है, इसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन कंप्लायंस ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। अब साथियों, आपने देख लिया कि फायर सेफ्टी, मशीन सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड फिजिकल इन्वायरमेंटल, ये सारी चीजों के अलावा पेमेंट्स एंड वर्किंग हावर्स एंड वर्किंग इन्वायरमेंट एंड लेबर प्रैक्टिस, ये सारी चीजों को देखते हुए जो सोशल कंप्लायंस होती है साथियों उसमें और भी होती हैं, जैसे सिक्योरिटी कंप्लायंस, यानी लेबर जो काम कर रही है, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं साथियों, वो कितनी उनको सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा कितनी प्रदान की गई है, इसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। यानी कंपनी में प्रोडक्ट कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे वहां की सिक्योरिटी काम करती है साथियों, इसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। एंड साथियों, बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल कंप्लायंस है, यानी जो बिल्डिंग जिसमें कार्य हो रहा है या वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसका प्रॉपर गाइडलाइन के अनुसार बिल्डिंग है या नहीं, या कोई त्रुटि है, या किसी और चीज को एड ऑन करना है, कहीं बायर ने कुछ रिक्वायरमेंट करी है उसको पूरा किया गया है या नहीं, इसका भी प्रॉपर क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। यानी आगे चलते हैं साथियों, सर्टिफिकेशन कंप्लायंस, यानी हर तरह की जितनी गतिविधियां हैं उसके प्रॉपर सर्टिफिकेशन हुआ है या नहीं, इसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन सोशल कंप्लायंस के अंतर्गत किया जाता है। तो साथियों, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं आज सोशल कंप्लायंस की विस्तृत जानकारी आपको दिया हूं, कल मैं आपको टेक्निकल कंप्लायंस की विस्तृत जानकारी बताऊंगा। और इसे अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि ये हर लाइन के लिए जरूरी है और हर बंदे के लिए जरूरी है। थैंक यू साथियों, बाय बाय, गुड नाइट।